करूयात एका मोठ्या बातमीने। एअर इंडियाचं विशेष विमान सुमारे 250 विद्यार्थ्यांना घेऊन मध्यरात्री दिल्लीला पोहोचले। फ्लाइट मधील सर्व प्रवासी हे भारतीय विद्यार्थी आहेत। विमान टर्मिनल 3 वरती उतरताच थांबलेल्या भारतीय अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांचं स्वागत केलं। प्रवाशांनीही विजयाचे निशाण दाखवून हस्तांदोलन करून आभार मानलेत। ते येताच प्रवाशांनी भारत माता की जयच्या घोषणा दिल्या। यावेळी ज्योतिरादित्य सिंधी यांनी विद्यार्थ्यांचं गुलाब आणि पुष्पगुच्छ देऊन जोरदार स्वागत केलं। हालत तो एज इन कीव खार्किव और दनीप्रो वेनिसिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल बॉम्बिंग वगैरह हुई है। जो प्रॉपर सिटीजन्स है वो सब आर्म्स लेके आ चुके हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए। बट इन माई सिटी द मेजर एस्पेक्ट वॉज कि वहाँ पे स्टोर्स के अंदर सब प्राइसेस बढ़ गए थे और सब कुछ स्टॉकअप होने लग गया था। एवरीथिंग वॉज गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। आई एम सो ग्लैड टू बी एन इंडियन। अभी सिचुएशन तो थोड़ा टेंस्ड है, थोड़ा खराब सिचुएशन है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी हम लोग है जो हम लोग सेकेंड फ्लाइट में आए 250 स्टूडेंट्स, वो अभी यहाँ पे सेफली पहुँच गए। दूसरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फंस गए, जो अभी अंडरग्राउंड है, बंकर्स के अंदर है, जिनको को अभी कुछ सप्लाईज वप्लाईज कुछ है नहीं, क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। सब जगह पे फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब हो रहा है, इसलिए अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे। आज के दिन जब 250 स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया है, तो वो थोड़ा और स्पेशल था हमारे लिए और थोड़ा और गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि 20 से 25 साल के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे यूक्रेन में। लोकल अथॉरिटीज़ जो हमारी एमईए की थी यूक्रेन और रोमानिया में, उन्होंने उनको बुकारेस्ट में सेफली पहुंचाया और उसके बाद उनको हमने वहां से एयरलिफ्ट किया, तो हमारे लिए डेफिनेटली काफ़ी स्पेशल था। रेगुलरली हम लोग इस रूट को ओवरफ्लाई करते हुए अपने और यूरोपियन डेस्टिनेशन जाते हैं, सो रूट हमारे लिए फेमिलियर था, डेस्टिनेशन फेमिलियर नहीं था। वो हमारे लिए पहली बार था, हमारे पूरे सेट के लिए आज पहली बार हमने बुकारेस्ट में ऑपरेट किया था। बट रूट कोऑर्डिनेशन आज काफ़ी अच्छा था।